इसमें निकल चुका हूँ ले से। गाइस एक बार नज़ारे देखो रोड के, और हवाएं इतनी तेज चल रही हैं। सारा दिन चलते चलते गाइस इवनिंग हो गई। ऐसी जगह से गुजर रहा हूँ जिसको कहा जाता है कि अपने पूरी दुनिया की टॉपेस्ट खूबसूरत जगहों में से एक है। ये है लांबा यूरो, और बहुत ज़्यादा ठंडक हो रखा है यहाँ पर। सो गाइस यहाँ से पूरी एक करगिल की सीमा लग गई है। वेलकम टू टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी करगिल। मैं आ चुका हूँ, आई लव नमी कला। गाइस चलते चलते अभी 34 किलोमीटर रह गया है करगिल। गाइस मैं आ चुका हूँ इस समय कारगिल वॉर मेमोरियल पर। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सभी गाइस? होप यू गाइस अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। टाइम आ गया अपने लेह लद्दाख को बाय बाय करने का। और बाहर का एक बार वेदर चेक मारो आप। बाहर का वेदर बहुत सुहाना हो रखा है, ठंडा ठंडा एकदम। तो यहाँ से जो टाइम हो रहा है अभी कुछ तकरीब 12:50, वही पिछली साल जैसा एक बज चुका है। तो आज कोशिश करूंगा मैक्सिमम द्रास तक लगाऊं। पहले यहाँ से लोकल मार्केट में शॉपिंग करनी हुई। भाई मैं एक नेविगेशन के लिए एक मोबाइल था, उसका कल गिर गया, डिस्प्ले टूट गया, तो उसका डिस्प्ले देखेंगे, लग जाए तो अच्छी बात है, नहीं लगता है तो फिर दिल्ली लगवाएंगे। साथ में अपनी सारी पैकेजिंग हो रखी है, ये देखो ये मेरा रूम पैकिंग, जैकेट वैकेट अपना पड़ा हुआ है, बैग रेडी है। ऐसे अभी निकल रहा हूँ भाई, बाकी का होप करूंगा कि आप लोगों को ये वाली सीरीज पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ ये लाइक करना, शेयर करना, कमेंट कर देना। बाकी एक राइड की और प्लानिंग चल रही है, वो बहुत इंटरेस्टिंग होगी। अगर मेरा पास हो जाता है वो वाला सीन तो भाई फिर मज़ा आएगा आप लोगों को। चलो अभी आपसे मिलता हूँ मोटर ब्लॉग। थोड़ा सा मैं आपको होटल टूर दे देता हूँ पहले इससे। तो अपना जो होटल था गाइस कुछ इस प्रकार से था, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया, काफ़ी ज़्यादा सुंदर, एकदम औसम सा। और ये इनका किचन वाला एरिया था, ये रिसेप्शन एरिया है, और काफ़ी ज़्यादा वेल मेंटेन होटल है। होटल लद्दाख व्यू के नाम से है ये, आप आ सकते हो। बाकी का भाई सामान निकालता हूँ यहाँ फटाफट से, और गाड़ी पर लोड करते हैं और यहाँ से निकलते हैं, और आपको दिखाते हैं बढ़िया बढ़िया व्यू, और कुछ आपको हॉल के यहाँ के व्यू भी दिखा देता हूँ। भाई लोग लगे हुए हैं तैयारी में, अंदर जाने का टाइम हो गया भाई। और ये देखो एक बार इनका डाइनिंग वाला बहुत सही सिस्टम दे रखा है यार, बिल्कुल VIP सा। कल अपन लोगों ने काफ़ी अच्छा ट्रेवल करा, काफ़ी अच्छे घूमे, और कुछ मार्केट का भी यहाँ से व्यू आपको दिख जाएगा। ये देखो वो यहीं अपनी पार्किंग है, और काफ़ी सारे गेस्ट हाउस हैं, बट मैं इसको रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ की सर्विस फास्ट है, यहाँ का सारा कुछ अच्छा है, किचन इनका बहुत हाइजीनिक है, सब कुछ है। तो गाइस ले आ रहे हो तो प्लीज़ एक बार यहाँ ज़रूर आना। तो गाइस अभी निकलने की तैयारी हो गई है, थोड़ा टाइम लग गया मेरे को निकलने में यहाँ से ले से श्रीनगर के लिए। बाकी ये दो भाई थे भाई, बहुत अच्छा इन्होंने सर्विस दिया, और सही में बहुत ही हम्बल पर्सन है भाई। व्हाट्स योर गुड नेम? अबरार अहमद। थोड़ा तेज बोलिए। अबरार अहमद। अबरार अहमद। और इन वाले भाई का? नदीम अहमद। नदीम अहमद भाई, सच में दोनों भाई कश्मीर से हो ना? तो भाई दोनों भाई कश्मीर से हैं, और कश्मीर तो भाई कितना सुंदर है आप लोग जानते हो। बाकी यहाँ जॉब करते हैं, रिसेप्शन पूरा देखते हैं, एंड पूरा मैनेजमेंट होटल का देख रहे हैं, और काफ़ी सही लगा मेरे को। थोड़ा सा लोकेशन एक बार ब्रीफली बता दीजिए आपके, कैसे आना है अगर कोई बंदा ले में एंटर करता है आपके यहाँ? आप बताइए। प्लेस रोड। ओके, तो गाइस प्लेस रोड पे आना है, कुछ नहीं करना, मैं इनका जो लोकेशन है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो पूरा मैप खुल जाएगा इनके होटल का। होटल बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है। एक बार मैं आपको रिसेप्शन एरिया भी दिखा दूं, कुछ बाहर से लोकेशन अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो ऐसा ऐसा है। ये इन्हीं का, ये पूरा पार्किंग वगैरह सारा कुछ, और ये देखो पूरा और ले व्यू। तो स्टे है, काफ़ी सुंदर है, काफ़ी अच्छा बना हुआ है, और आप आ सकते हो, बहुत अच्छा है भाई। तो अभी यहाँ से मैं निकल रहा हूँ फिलहाल, बाकी अभी आपसे मिलते हैं मोटो ब्लॉग पर। अभी होटल से मैं निकल रहा हूँ, और टाइम तकरीबन हो गया है 2:45 का, थोड़ा लेट हूँ, खैर कोई नहीं, चलो चलते हैं। तो गाइस मैं निकल चुका हूँ लेह से, अभी मौसम काफ़ी बेहतरीन हो गया है। 420 किलोमीटर है भैया अपना श्रीनगर, तो देखते हैं आज कहाँ तक लग पाते हैं। यहाँ से लेना है अपने को टर्न। एक बार मैं फ्यूल कराऊंगा इसमें रिफ़िल, तो इसका एयर वगैरह चेक कर लूँगा गाइस। और हमारी बहुत सही रही भाई इस बार की लेह लद्दाख राइड। और लद्दाख में मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं घूमा, मेन मेन जगहों पर ही घूमा हूँ जो जो थे। और गूगल माता मेरे कानों में बक 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 कर रही हैं। तो अभी यार मेरा एक सेकेंडरी मोबाइल है, उसका डिस्प्ले टूट गया था, तो एक बार देखूंगा डिस्प्ले बन पाया तो यार, यहाँ डिस्प्ले बन जाए तो काम बन जाएगा अपना, क्योंकि यार इसको क्या है कि ना OIS वगैरह ख़राब होने का डर रहता है इसमें। ये ऑफिसेज हैं, और ये है ले सिटी। बाय बाय ले, मिलेंगे फिर दोबारा, हम जल्द आएँगे, मेरा भी सपना है भाई ले, अच्छी कोई बाइक से आएंगे भाई इस बार। डोमिनार ने तो बहुत अच्छे से कराया। शॉप दिख गई है, यहाँ पे आया हूँ मैं। भैया रियलमी C33 का LCD होगा? रियलमी C33। हाँ
कल ब्रेक हो गया मेरा गाड़ी पैसे करके एक फोन कितना मेरे को निकलना था, थोड़ा अर्जेंट हो जाए तो देख लीजिए दूर के, आपके पास है स्टॉक में ये देख लीजिए। कहाँ से कितने का पड़ेगा? 2500 का ना? ओरिजिनल है लोकल है? फर्स्ट कॉपी। अच्छा ठीक है भैया। मैं भाई यहाँ पे प्राइस तो बहुत हैवी है यार मोबाइल रिपेयरिंग का, मुझे नहीं लगता भाई इधर सही कराना जस्टिफाई है। 2500 रुपये मांग रहा है भाई, और मेरा खुद का मोबाइल का काम है तो काम 700-800-900 रुपये से ज़्यादा का नहीं है। अब मैं जम्मू अम्मू में देखूँगा। बाकी ये है लेका मेन गेट, 419 किलोमीटर श्रीनगर है यहाँ से। बस गर्मी इतनी तेज है ना भाई ले मैं, कल रात को मैं इधर ही मार्केट में घूम रहा था। अब तो अपनी मार्केट भाई पिछले साल भी अच्छे से देख ली, तो इस साल कुछ ज़्यादा ही अच्छे से देख ली है, तो दिक्कत ही नहीं है कोई भाई। मोनेस्ट्री हम लोगों ने भाई खाने के लिए देख ली है जगह, जैसे कि आप लोगों को प्रीवियस वाले ब्लॉग में दिखाया। आप लोगों को पसंद आया होगा तो यार इफ़ यू डोंट माइंड लाइक कर देना, और अगर आप ले आ रहे हो तो प्लीज़ एक बार भाई को मौका देना। एक सैलून भी था भाई तो वहाँ भी मैं गया था, तो काफ़ी अच्छा था। ब्लॉग थोड़ा सा लंबा रहेगा तो प्लीज़ एडजस्टमेंट देख लेना, क्योंकि भाई लेह से निकलना हो लेह की आते तो भाई अपने साथ लेकर के ही जाऊंगा। ये रहा मेन लेह का पॉइंट, जहां अगर आपको एक एहसास होता है कि कितनी बढ़िया जगह पर आप लोग आ गए हैं। यहां से मैं फ्यूल को रिफ़िल कर लेता हूं, पूरा कंप्लीट फुल कर लेता हूं भाई, तो बात का इतना ज़्यादा हेडिंग नहीं रहेगा। फुल करा लेता हूं गाइस। दीदी फुल कर दीजिए, बस बस दीदी थैंक यू। तो गाइस देख लो फुल हो गया अभी अपना पेट्रोल, टेंशन ख़त्म। चलो जी गाइस पेट्रोल फुल, ज़ीरो कर लिया है मैंने मीटर यहाँ से, और अभी निकलता हूँ यहाँ से। काफ़ी हैवी हैवी बैग मेरे सामने लगे हुए हैं, आप देख रहे होंगे। वो इतनी लोडेड करके गाड़ी चलाने का ना मज़ा अलग है, बट यार जो कटिंग होती है ना वो थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है। और गूगल माता का भी सहारा ही लेना पड़ेगा भाई। नहीं एयरपोर्ट सीधे है, श्रीनगर भी स्टेट है, मनाली इस साइड है। हाँ जी मनाली इस साइड में, इस साइड से ही आया था उस दिन। यहाँ प्लांटेशन बहुत कम होता है भाई लेह में, बहुत कम प्लांटेशन आपको मनाली वाले रूट पे ही सबसे ज़्यादा मिलेगा देखने के लिए, और इधर तो नहीं मिलेगा। अभी थोड़ी देर में हॉल ऑफ फेम आएगा मेरे साइड में। खा पी के तो नहीं निकला हूँ मैं, ऐसी टेम्परेरी निकल आया हूँ, चाय वाय पी के। थोड़ा रियल जूस ले लिया था सुबह सुबह, बस यही था। यहाँ कल आया था भाई बाइक वॉश कराने, तो बाइक का 300 रुपीज़ लेते हैं लोग वॉशिंग का भाई। उसके बाद में भी नंबर लगाना पड़ता है आपको, क्योंकि भाई इतना मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है यहाँ कार वॉशिंग वाले बट काम अच्छा करते हैं। तो उस भाई ने मेरी गाड़ी पे पानी मार दिया रिक्वेस्ट करने पर, 100 रुपीज़ लिया। ठीक है यार, क्योंकि वो ब्रेक कैलिपर वगैरह में मिट्टी वगैरह भरा हुआ था, तो मैंने सोचा देखो बच्चा चैन लूप एंड चैन क्लीन वगैरह और चैन टाइटनिंग एडजस्टमेंट जो भी था कल मैंने करा ही लिया था, तो आज का तो कोई टेंशन है नहीं, कल अपना पूरा काम डन हो गया था भाई। ये है होलो फेम, कल आया था भाई यार, वो मिलिट्री से रिलेटेड और आर्मी से रिलेटेड है। टिकट 250 रुपीज़ होता है, आप चाहें तो देख सकते हो, बट मेरे को अभी यार लंबा निकलना है तो होलो फेम तो मैं कर रहा हूँ स्किप, क्योंकि पत्थर साहिब गुरुद्वारा में दर्शन करता हुआ निकलूँगा तो वहाँ थोड़ा सा प्रसाद भी चख लूँगा। आर्मी के कुछ ट्रक्स वगैरह निकल रहे हैं जिसके वजह से थोड़ा सा ट्रैफिक जाम है। ये लगाया पोर्टर ट्रक ने, मेरे सामने है मुल्तानी मिट्टी पहाड़। तो भाई इसको कल लिटरली बहुत ढूंढा, आज मिल गया पूछा, तो ये पूरी मुल्तानी मिट्टी जो अपने फेस को लगा करके क्लीन लग सकते हो नेचुरली, नेचुरल मुल्तानी मिट्टी दिखे। देखो कार में आए ना काफ़ी लोग, भर के भी ले जा रहे हैं, तो सही है यार अभी सारा कुछ नेचुरल सोर्स वाला है। यहाँ से मैंने मिट्टी ले ली है मुल्तानी मिट्टी, ऐसी लिए 1.5-2 किलो के आसपास। भाई कोई चार्जेस नहीं है, कुछ नहीं है, बस फ्री ऑफ कॉस्ट है, खोदो लेके चलो। वहाँ से भर रहे हैं तो स्लाइड्स निकलते हैं, और भाई आज ट्राइड एंड टेस्ट भी करेंगे इसको, जहाँ पर रुकूँगा मैं वहाँ पर। तो अभी गाड़ी में थोड़ा सा वेट बढ़ गया है, 20-22 किलोमीटर चलने के बाद आएगा पत्थर साहिब गुरुद्वारा, तो वहाँ पे करेंगे अपन लोग दर्शन। और वेदर बहुत सुहाना हो रखा है, और इस बैग में मैंने मुल्तानी मिट्टी इसलिए रखी है कि कोई अगर आगे वाटर क्रॉसिंग होता है या कुछ भी होता है तो ये वाटर प्रूफ वाला बैग है भाई मेरा, तो इस पर भीगना नहीं है इस वजह से। उसको भी मैंने एक अच्छे से पन्नी में कवर अप करके रखा है। द्रास 278 है भाई, आज टारगेट रखूँगा द्रास तो पहुँचूँ कैसे ना कैसे करके।
द्रास अपने वर्ल्ड का जो सेकंड लार्जेस्ट कोल्डेस्ट सिटी माना जाता है, कोल्डेस्ट सबसे ज़्यादा जो ठंडा शहर कह सकते हो उसको आप। बस दुख इस बात का कि लद्दाख को छोड़ने का मन नहीं होता है। और कल भी ये वाली रिवर मैंने आपको दिखाई थी, छोटी सी है पर है बहुत सुंदर यार। इस बार गाड़ी ने बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है, कोई तकलीफ हुई नहीं है किसी प्रकार की। और ऐसे ही अपनी बाइक भाई हमेशा चलती रहे, मैं तो यही कहूँगा। 40,000 हम जल्दी अपने कवर करने वाले हैं इस बाइक के साथ में। बड़ा अच्छा एक एक्सपीरियंस है यार, मतलब थोड़े बहुत कॉन्स हैं पर यार प्रोज बहुत अच्छे अच्छे हैं इसके। रेवर देखो आप एक बार, कितनी सुंदर रेवर है यार। मैं आ चुका हूँ पत्थर साहिब गुरुद्वारा, चलो जी यहाँ करेंगे दर्शन, उसके बाद निकला जाएगा यहाँ से आराम से। चलो जी दर्शन करते हैं, थोड़ा सा प्रसाद चखते हैं फिर चलते हैं यहाँ से। अभी मैंने यहाँ पे प्रसाद चखा, बहुत अच्छा लगा। और जो टाइम हो रहा है 4:30 का, तो भाई देखते हैं आज कहाँ तक पहुँच पाएंगे। इतना पत्थर साहिब गुरुद्वारा पर काफ़ी अच्छा व्यू है एंड वहाँ पर काफ़ी सारी बाइक्स आ रखी हैं। वो खड़ी अपनी D400 देखो कितनी ज़्यादा लोडेड, ये देख लो गाइस पूरा लोड करा हुआ है। मतलब D390 भी आई हुई है एक, उससे ज़्यादा लोडेड है। और ये कुछ सामने का व्यू है यहाँ पे नज़ारे, ये मेरा व्यू, बाकी निकल रहे हैं भाई यहाँ से अपनी बाइक सामने से देख लो भाई, ये देखो कितनी लोडेड है। सो गाइस चाय पी ली, प्रसाद ग्रहण कर लिया, लाइन लगाकर बाइक आए हुए हैं। और सबसे ज़्यादा लोडेड बाइक भाई साहब अपनी है, ये देखो खतरनाक लोड हो रखी है। और ये देखो सारा कुछ, ये पत्थर साहिब गुरुद्वारा। और यहाँ से निकल रहा हूँ, अब सीधे मिलते हैं आपसे मोटर ब्लॉक पे, ठीक है गाइस। प्रसाद चख लिया और मैं निकल चुका हूँ यहाँ से पत्थर साहिब गुरुद्वारा से। यहाँ से ऊपर चढ़ के एक मंदिर हो रहा है, ये रहे पत्थर साहिब गुरुद्वारा, एक ऊपर टेम्पल और है, वहाँ तो गया नहीं बट यार आज पानी नहीं मिला पीने को। खैर मेरे पास बोतल है ये लगा हुआ है, तो पानी वानी का तो कोई ऐसा सरदर्दी नहीं है। बाकी हवाएं बहुत तेज़ हैं यार आज। अभी पोस्ट पेड सिम कराने से एक फ़ायदा हो गया कि पूरे ले में मेरे को सर्विस मिल पाई सिम की, और मैं स्टोरियाँ वगैरह चिल मारते हुए पेल करके डाल पाया। तो यार ये बहुत सही रहा जो मैंने 2-3 दिन मेहनत करी पोस्ट पेड से प्रीपेड, क्योंकि पहले मैंने ऐप से करा था। एक चीज़ ध्यान रखना गाइस, अगर आप ले आ रहे हो तो अपने एयरटेल के थैंक्स ऐप से बिल्कुल भी पोस्ट पेड मत करना। अगर आपकी प्रीपेड सिम है तो आप एयरटेल स्टोर जाइएगा, वहाँ से कराइएगा, क्योंकि वहाँ आपका रीवेरीफिकेशन होता है, उसके बाद ही आपकी वो सिम वर्किंग करेगी भाई, नहीं तो नहीं करेगी। और आज का दिन बहुत छोटा है पर फिर भी मैं सोचूंगा यार द्रास तक तो गाड़ी लगा दूँ। और द्रास पहुँचने के बाद मैं है ना फिर कल थोड़ी देर के लिए श्रीनगर रुकूंगा, देन सीधे जम्मू मारूंगा भाई। यहाँ से गाड़ी की आपकी थोड़ी थोड़ी स्पीड बढ़ने लगती है ऑटोमेटिकली, रीज़न दैट्स वाई कि भाई यहाँ पर है मैग्नेटिक हिल, और ये आप खुद ही महसूस करोगे, जितने लोग आते हैं यहाँ पर रिलेट करेंगे उस चीज़ से। हवाएं भाई इतनी तेज़ चलती हैं ना कि पूरी गाड़ी आपकी इधर से उधर फेंकने लगेंगी। सामने से जो गाड़ियाँ आ रही हैं कितनी अच्छी लग रही हैं, व्यू के नज़ारे देखो बॉस, नज़ारे एक नंबर। इसके पीछे ही रखता हूँ क्योंकि अक्सर क्या होता है ना, कभी कभी गाड़ी एकदम सामने से स्पीड पर आ जाती हैं तो एक्सीडेंट होने का खतरा रहता है भाई। जैसे देखो ये आ रही हैं, अक्सर मोस्ट ऑफ द टाइम भाई यहाँ से तेज खींचते ही हुए लाते हैं लोग। रणचूर का स्कूल दिखा रहा है 43 किलोमीटर, ओके। वोरा सामने मैग्नेटिक हिल जिसका कि हमने कल बनाया था ब्लॉक भाई। देखो अब ये पहाड़ नीचे गया है, नीचे से वापस ऊपर आया है, तो अब मेरे पास फुल लोडेड गाड़ी है, तो ज़रा सा एक एक्सपेरिमेंट कर लिया जाए आज, क्या बोलती पब्लिक। सबसे पहले मैग्नेटिक हिल 11,123 फीट पर है। अब ये देखो यहाँ से ये पहाड़ ऊँचा हो गया है, ये नीचा नहीं है भाई, ठीक है। तो मैं आपको कुछ टेस्ट करके दिखाता हूँ यहाँ पर। सबसे पहले देखो गाड़ी को मैं बंद कर देता हूँ, गाड़ी को करता हूँ न्यूट्रल, देखो गाड़ी आगे बढ़ने लगी, ये देखो पैर मैंने ऊपर कर लिए तो गाड़ी धीरे धीरे आगे को जा रही है। और ये टेस्ट हो रहा है भाई, इसका सही टेस्ट है, गाड़ी सही से जा रही है। फिलहाल मेरे को ये टेस्ट करना नहीं है, तो मैं तो अपना गियर में लगा कर चलता हूँ, क्योंकि कल ये अच्छे से हमने टेस्ट कर लिया था। हाँ क्या बात है, क्या बात है भाई, कितना तेज ड्रैग है एयर का।
ऐसा लग रहा है पहाड़ों में मैं इलेक्ट्रिक बाइक को चला रहा हूँ। वो दोनों तरफ से मिलती हुई नदी, इधर से भी उधर से भी, ऑसम व्यू यार, ऑसम। और अभी थोड़ी देर में सनसेट भी हो जाएगा यार, क्योंकि आज मैं ज़्यादा लेट हो गया निकलना, मुझे 7 बजे था निकला, मैं 2:45 हूँ। क्या करूँ यार, आलसी आदमी कुछ ज़्यादा ही हूँ मैं। चक्कर ये था ना भाई, एक भी ब्लॉग एडिट नहीं कर पाया था, आज ही मैंने एडिट कराया जी। सॉरी यार अनवर भाई, हमारे अनवर भाई करते रहे वेट, मुझे तुरतुक जाना था, वहाँ भी नहीं जा पाया मैं। तो भाई बहुत सारे लोगों से मिलना था, देखो पेंगोंग करना था, पुंदर करना था, उमलिंगला करना था, एंड बहुत सारी चीज़ें थी। क्यों रह गए इसका रीज़न बता रहा हूँ कि भाई मेरी मदर की तबीयत थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, और अगर गड़बड़ हो गई तो भाई मेरा फर्ज बनता है घर जाकर के पहले उन्हें देखना, क्योंकि वो हैं तो सब कुछ है भाई। अरे भाई साहब कैसे हिला रही है हवा एकदम जिगजग मारते हुए। शाम हो गई है इत्तेफाक से, वो समय दोबारा से ढल रहा है लांबा यूरो वाला, जो भाई प्रथम ने हमने फील की थी, बट सैडली यार 5:13-14 हो गए हैं। आज मेरा अकेले खुद से इन सब चीज़ों से सामना होने वाला है। ये सारे मोनेस्ट्रीज बने हुए हैं यहाँ पर जितने भी हैं, क्योंकि ये पूरा बौद्धिस्ट है, जितना भी ये ले है ना लद्दाख पूरा बौद्धिस्ट है। अभी 2 दिनों से क्या सीन हो रहा था बताए, डेली मन लगाने के लिए भाई बॉल लोड चला जाता था, 2 दिन मनाली रहा, तो अब फिर से वही अपना आगरा वाला सदर बाज़ार होगा, ये सब होगा, तो भाई कैसे मन लगेगा, मुश्किल है भाई। बट मन को लगाना पड़ेगा, क्योंकि एक और नई यात्रा अगर शुरू करनी है तो। बाकी 376 किलोमीटर रह गया है श्रीनगर। इसी बात पर आप लोग बोलो भोलेनाथ सबके साथ, हर हर महादेव, हर हर महादेव। नज़ारे देखो रोड के, और हवाएं इतनी तेज़ चल रही है ना, थर्ड गियर में बाइक चलानी पड़ी, थर्ड फोर्थ में नहीं चल रही भाई, फिफ्थ में और सिक्स में, जैसा कि एयर प्रेशर इतना ज़्यादा है पूरी गाड़ी हिल रही है, ठंड इतनी ज़्यादा पड़ गई है, छाती फट रही है भाई ठंड के मारे। लेह में गर्मी थी और यहाँ एक्सट्रीम सर्दी हो गई है भाई। पहाड़ कैसे हैं, मतलब ऐसे जा रहे हैं, और रोड भी बिल्कुल ऐसे जा रहा है भाई। श्रीनगर 385, यहाँ से 370, भाई क्या लोचा होता है, मैप कम बताता है वो 15 किलोमीटर ज़्यादा बता रहा है। इसके बारे में कुछ नॉलेज हो आप लोगों तो भाई बताओ मेरे को। अब जब तक रोड बढ़िया है तो थोड़ा अच्छा सा खींच लेता हूँ। बहुत सुंदर रोड है यार, बहुत सुंदर। ये पूरा रोड पर वर्क चल रहा है, तो ये रोड पूरा कंस्ट्रक्शन पर काम चल रहा है, बनाया जा रहा है भाई साहब। ये देखना यहाँ के कार वाले बिल्कुल स्पीड स्लो नहीं करते हैं, ये देखो ये देखो। तो मैं ही साइड में हटना पड़ेगा, ये लोग यार एक चीज़ मैंने देखी 2-3 बार, जो लद्दाख की गाड़ियाँ हैं वो ठीक हैं यार, जो JNK वाले हैं, JK वाले नंबर वाले, वो यार ऑलमोस्ट यार पेलने के चक्कर में रहते हैं, क्या सामने वाला पिल जाए बस। बट यार भाई हम भी तो आपकी तरह इंसान ही है ना, थोड़ा सोचो हमारे बारे में भी, अब लग पाइए कहीं 100 की स्पीड। हवा तो इतनी तेज है ना भाई, क्या कहने। और लगभग 50 किलोमीटर में ले से यहाँ तक चला आया हूँ। नाइट हो जाएगी भाई यार, नाइट में ही पहाड़ पे गाड़ी चलानी पड़ जाएगी यहाँ तक कि मुझे लग रहा है। भाई साहब रोड एक नंबर चल रहा है, एक नंबर, मज़ा आ गया भाई। ये जो लांबा यूरो वाला रूट है ना भाई, एक नंबर सुहाना है। अगर आप ले आने का प्लान करो भाई, श्रीनगर हो के ही आओ, मज़ा आएगा। बट यार मनाली से होता क्या है ना, मनाली से आपको व्यूज़ तो मिलते हैं अच्छे अच्छे, नो डाउट, ये बात तो हकीकत है। उस साइड से एडवेंचर भी है, ग्रीनरी भी है, बहुत कुछ है, तो आप अपने हिसाब से प्रिपेयर कर लेना। आपकी कोई एडवेंचर बाइक है तो एक बार करके देख लेना भाई, कोई दिक्कत नहीं है। बस एक रिकमेंडेशन है कि भाई अर्ली मॉर्निंग निकल जाओ, अगर बॉर्डर क्रॉसिंग करने है ना तो 5-6-7-8-9-10 बजे तक कवर कर दो, क्योंकि जब तक धूप नहीं निकल रही तब तक बॉर्डर क्रॉसिंग में पानी इतना नहीं रहता है, ना के बराबर रहता है। फिर 2:30-3 बजे के बाद जो हैवी होता है ना रेनफॉल, मतलब जो फॉल बढ़ जाता है वाटर का, बहुत ख़तरनाक होता है। कितने सुंदर सुंदर मोनेस्ट्री हैं इस वाले रूट पर। इसी वाले रूट पर मेरे ब्रेक पैड पूरे ख़त्म हुए थे, क्योंकि भाई स्पीड पर भगाता हूँ ना, तो जितना आप भगाओगे गाड़ी को स्पीड पर उतने आपके ब्रेक्स ख़त्म होंगे, क्योंकि ऑब्वियसली
गति में रुकावट डालने का काम करते हैं, ब्रेक्स। भागम भाग का मज़ा आने वाला है भाई साहब आज। लेह से 58 किलोमीटर कब चल गया मेरे को पता भी नहीं लगा। मेरे सामने कितनी बढ़िया रिवर है यार। अगर हम लोग नीचे भी जाना चाहें ना तो यहाँ से जा सकते हैं हम लोग पीछे होकर के। बाकी गाइस देख लो आप, श्रीनगर से आते हुए अभी बंदा परेशान नहीं होता, ये बात तो है। अगर आप उधर से आ रहे हो मनाली साइड से तो ज़रूर आप परेशान हो जाओगे, पर इधर से भाई बंदे को चिल चिल माहौल मिलता है एकदम। तो अभी गाइस फाइनली मैंने थंबनेल ले लिए, कुछ लिए हैं बहुत अच्छे अच्छे सिनेमैटिक फोटोग्राफ्स जो कि आपको मिलेंगे ब्लॉगर आकाश चतुर्वेदी इंस्टाग्राम पर। जा करके चेकआउट कर लेना भाई जा करके, क्योंकि देखो फील एक नंबर है इस रोड का ना भाई साहब। अभी तकरीबन 6:03 हो गए हैं और लग नहीं रहा है, क्योंकि 8 बजे तक तो यहाँ एज यूजुअल रोशनी रहती रहती है। तो भाई अपने जो किलोमीटर्स हैं अभी 74 किलोमीटर हो गए, तो देखता हूँ भाई कितना मैं चल पाता हूँ। कम से कम लंबा यूरो तो क्लियर हो ही जाए यार, क्योंकि आज नाइट में तो बाइक चलनी चलनी है, डेफिनेटली चलनी है भाई। एकदम गुदगुदी सी हो जाती है भाई पेट में, एकदम से रोड ऐसे चेंज होता है ना कि आपका एकदम से उठने के बाद ऐसे सटाक से निकलता है ना सांप बनते हुए, अलग ही फील होता है फिर। देखो इन रोड्स पर गाड़ी चलाने का मज़ा अलग है एंड हाईवे पे चलाने का मज़ा अलग है भाई, हाईवे से ज़्यादा इस पे चलाने का मज़ा है, क्योंकि आपकी स्पीड तो वही 70-80 के आसपास होती है, बट आपको फील आता है यार, ये बात मैंने है। और मैं जो इस समय फील कर रहा हूँ ना, वो आप कैमरे से तो कभी सोच ही नहीं सकते हैं देख करके कि भाई कैसा फील हो रहा होगा, खुद से आके ही आपको समझ आएगा। गाइस ये देखो अभी अभी एप्पल, और ये देखो छोटे छोटे पर मीठे मीठे हैं, और ऐसे देखो गाइस कितने प्यारे लग रहे हैं, इन्हें खाता हूँ भाई। बट यहाँ पर जो टाइम हो गया तकरीबन 7:30 बजे का हो गया, पर यार देखो नेचुरल है भाई, नेचुरल एकदम मस्त लग रहे हैं ना, देखो बढ़िया एकदम। सारा दिन चलते चलते गाइस इवनिंग हो गई और अब सूरज देवता ढलने वाले हैं, बट अपना सफ़र कंटिन्यूसली चल रहा है और मौसम एकदम चिल्ड हो गया है भाई साहब। अपने तो विंटर्स चल रहे हैं और आप लोगों के क्या चल रहे हैं समर्स? अच्छा कौन कौन शहर से दिख रहा है ये बताओ। और अभी मैं जो करेंटली टेम्परेचर है जहाँ पे मैं चल रहा हूँ, यहाँ पे करीबन 13-14 डिग्री टेम्परेचर में मैं बाइक चला रहा हूँ भाई, सच में फील आ रहा है। बट यार कल के बाद में रोना पड़ेगा यार, इतना गंदी वाली गर्मी होने वाली है ना वापस से। मैंने सुना है भाई और शहरों में बारिश हो रही है, बट यहाँ भाई एक बूंद बारिश नहीं है, एक बूंद। क्योंकि चक्कर यार क्या है कि ना देखो, जहाँ पर नमी होगी ह्यूमिडिटी होगी बारिश वहीं होगी, यहाँ पे ना तो पेड़ पौधे ना कुछ, तो बारिश आएगी कहाँ से मेरे भाई, यहाँ बारिश नहीं आती। और यहाँ सूखी ठंड होती है भाई, बिल्कुल क्लीन, बिल्कुल क्लीन ठंड। रास्ते कितने सुंदर बना रखे हैं भाई, जो भी आ रहा है ना प्लीज़ मनाली वाले को स्किप कर दो, ये वाला पकड़ लो आप, बेस्ट रहेगा भाई श्रीनगर वाला हाईवे। ये मॉनेस्ट्रीज हैं जितने भी हैं, एक बोरा ऐसे। यहाँ थोड़ी सी गाड़ी आपको कटिंग करके ही चलानी पड़ेगी, वरना आप बहुत लेट हो जाओगे भाई। और थोड़ी देर पहले पहाड़ों का कलर अलग था, देन अब कलर अलग है, ये देख लो। कोई बोतल मेरी गाड़ी के नीचे होके निकली है, ओ माय गॉड, मुड़ना है तो अपनी वाली पट्टी के अंदर ही होके मुड़ना है। ओके फिर से मुड़ना है, यानी ऊपर चढ़ना है अपने को। आराम से चढ़ जाएगी अब तो यार, गाड़ी हीट है ना, आप कोई दिक्कत नहीं है। ओ भाई हट गई गाड़ी आगे से, यहाँ पर खींचने का अलग ही मजा है भाई। फिर से चढ़ना है ऊपर बाबा,
तो गाइज मैं एक ऐसी जगह से गुजर रहा हूँ जिसको कहा जाता है कि अपने पूरी दुनिया की टॉपेस्ट खूबसूरत जगहों में से एक है। ये है लांबा यूरो और बहुत ज़्यादा ठंडक हो रखा है यहाँ पर, बहुत अच्छा लग रहा है। ठंडा यार बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ठंडा है। काफ़ी ऊपर काफ़ी हाइट पर हूँ मैं। और लांबा यूरो की खासियत यही है यार, यहाँ पर काफ़ी सुंदर तुम्हें सीनिक कैसे दिखेंगे मैं समझाता हूँ। जैसे सूरज है ना, कहीं कहीं पर आपको रोशनी दिखेगी, एकदम से कलर शेड चेंज हो जाएगा, बहुत अच्छा है ये। अब आप लगा लो ऐसे ऐसे जिग-जैग मारते हुए मेरे को वहाँ जाना है, मतलब उस पॉइंट तक। ऑक्सीजन कम है यहाँ पर, पिकअप कम हो जाता है गाड़ी का, जैसे आप नीचे आओगे ना नीचे के रास्तों पर तो ऑटोमेटिकली एक्सीलरेशन बढ़ जाता है। बट ठीक है फिर भी यार, 50 60 70 चल रहे हैं, 80 चल रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। और फिफ्थ के बाद जैसे ही मैं 6 गियर लगाऊंगा ना फिर गाड़ी नहीं भागेगी। ये देखो अब और स्पीड कम हो जाएगी, 62 पे होल्ड है ना तो धीमे धीमे कम हो सकती है। तो ऐसा सा सीन रहता है यार, जब भी आपको लगे गाड़ी घुट रही है तो तुरंत 2 गियर कम कर लो या 1 गियर सहूलियत के हिसाब से। ये आ गई फॉर्चूनर सामने से, क्योंकि बाइक से राइड करना कहना आसान है बट रियल में करना बहुत बड़ी बात है भाई, बहुत बड़ी। सो गाइज यहाँ से पूरी एक करगिल की सीमा लग गई है। वेलकम टू टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी करगिल। वैसे करगिल 75 है ओके, और द्रास 134। तो कोशिश करूँगा द्रास रुकने की, बाकी का डिपेंड करेगा सब चीज़ों पे। बहुत अच्छा लग रहा है, बेहतर, इतना चिल्ड हो रहा है ना, ऐसा अपने यहाँ जनवरी में होता है भाई, कसम से भाई मज़ेदार एकदम। और लांबा यूरो सही कहते हैं भाई, अपने पूरे दुनिया की सबसे सुंदर जगहों में से एक जगह है यार भाई, सही में ये बात बिल्कुल सही है। और अगर आप ले आ रहे हो ना श्रीनगर वाले रास्ते से आओ, आपको खुद यकीन हो जाएगा कि भाई लांबा यूरो क्या जगह है। अभी यहाँ पे जो टेम्परेचर चल रहा है वो तकरीबन 11 डिग्री के आसपास है, और मैं नॉर्मली एक जैकेट पहना हूँ राइडिंग के अंदर, फुल स्लीव टी शर्ट पहना हूँ बस। ठंड बहुत अच्छी खासी लग रही है, और ये जो लेदर ग्लव्स हैं भाई बहुत गर्मी भी नहीं देते, बट इसमें ये हाथ चिल्ड कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल फ्रीज हो रखे हैं। मतलब तो इस चीज़ से ये रिलाई होता है कि चाहे कोई सा भी ग्लव हो विंटर के लिए आपके अलग ही चलेंगे, तो ये वाले नहीं काम करने वाले भाई, ध्यान रखना। इसमें एकदम चिल्ड हो गया है हाथ, और सोचो ग्लव्स हो ही ना तो भाई फिर नहीं गाड़ी चल पाएगी, क्योंकि हम लोग के जितने भी हेलमेट होते हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा टाइट होते हैं। इसना फिर तो उतनी एयर नहीं जाती, बट फिर भी जिस जहाँ से भी हल्की सी भी जा रही है तो एकदम भाई कोल्ड हो रहा है एकदम से। और आज सुबह तो मेरी तबीयत ही इस वजह से ख़राब थी, कल लेकर टेम्परेचर एकदम गिर गया फिर उठ गया, और आज दिन में ना लेकर टेम्परेचर भाई करीबन 37 डिग्री के आसपास गया था, 35-37, बहुत गर्मी लग रही थी भाई सही में। और इसी रूट से हमें बनियाल चनैनी टनल सब मिलेंगे। तो गाइस गैस मारो, कितने बज रहे होंगे, करगिल अभी यहाँ से 62 किलोमीटर दूर रह गया है, और वो देखो। और अगर टाइम आप देखोगे ना भाई बहरा जाओगे, ये देखो 7:54 अपने शहरों में अंधेरा हो जाता है गाइस, सच बोल रहा हूँ, बी आर ऑनेस्ट 8:05 पर एकदम अंधेरा होगा एकदम। अभी तो ऐसा लग रहा है ना शाम में, तो भाई पहाड़ों का यही सीन होता है, इतनी जल्दी अंधेरा नहीं होता है। और अपनी डोमिनार भाई एकदम मस्त चल रही है, बढ़िया से चला रहा हूँ, 30 km/h का माइलेज दे रही है, सर्विस रिमाइंडर भी आ गया है इस वाले रोड ट्रिप पर, तो हाँ सर्विस कराऊंगा, एक 30 का दे रही है माइलेज। पहाड़ों पर बढ़िया चल रही है भाई, बढ़िया उम्दा। लांबा यूरो से मैं नीचे उतर आया हूँ और अब करगिल पहुँचने वाला हूँ थोड़ी बहुत देर में, तो सोचा है करगिल कर लूँगा मैं स्टे, तो उससे सुबह वॉर मेमोरियल वगैरह देखने के बाद फिर सीधे श्रीनगर थोड़ा रुक के, तो कोशिश करूँगा कि यार जम्मू मार दूँ कल कैसे भी करके सुबह जल्दी। हाँ जम्मू अगर लगा दिया तुम्हारे भाई ने तो फिर भाई आगरा फिर ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और दोस्तों ये बताओ मौत चल रही है कि नहीं चल रही है, मौत चलती रहनी चाहिए भाई आप सभी की, ठीक है, आप सभी के प्यार और सपोर्ट पे और लोगों के कहने पर जो अपने दोस्त यार हैं, लद्दाख कर दिया तुम्हारे भाई ने वो। तो गाइज मैं आ चुका हूँ, आई लव नमिकला, आई लव BRO। वो देखो नीचे भी अच्छा लिखा हुआ है आई लव BRO। वैसे तो अंधेरा हो गया, अगर मैं अपने फॉग लाइट्स बंद कर दूँ तो आपको कुछ नहीं दिखेगा, ये है हाईवे में अपना, तो बट इतना ही देख पाओगे। बस जैसे ही मैं ये ऑन करूँगा तो ये हो गया इसका फ्लैशर मोड, एंड ये देखो अब ये बंद है, ठीक है, बिल्कुल अंधेरा है, कुछ नहीं दिख रहा आपको, ये ऑन, तो ये फ्लैशर मोड एंड ये स्टॉक, तो मैं इसको जलाकर चल रहा हूँ, और काफ़ी ज़्यादा सही अनुभव मिल रहा है भाई इससे। तो कारगिल समथिंग रह गया है यहाँ से 55 किलोमीटर या 50 किलोमीटर समवेयर, तो बस पहुँच ही जाऊँगा। बस ठंडक यार बहुत जानदार हो गई है, और अभी 8:16 हो रहे हैं तकरीबन टाइम, तो चलो चलते हैं भाई। बाकी का आप देख लो फॉग लाइट लगाने से भाई कितना ज़्यादा बेनिफिट हुआ है, वरना पहले चल तो मैं इस पर भी लेता था स्टॉक लाइट पे, बट यार एक जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना वो बहुत लूज़ रहता था, बट अभी बहुत स्ट्रांग है। और फॉग लाइट को बिल्कुल इस तरीके से सेटअप किया है मैंने कि वो सामने तक अच्छे से दिखा पा रही है, और इतना ऊपर भी नहीं करना है कि सामने वाले को दिखा, तो ये देखो बिल्कुल सामने स्ट्रेट मार रही है,
तो बिल्कुल नंबर्स वगैरह जो लाइनिंग वगैरह रोड की ना बिल्कुल क्लियर आ रही है। अभी मैं दो फॉग लाइट स्पॉट लाइट और डालने वाला हूँ इस पर, तो स्पॉट से क्या होगा ना जो बीच का पॉइंट होता है उस पर एकदम फोकस मारेगी। स्प्रेड प्लस स्पॉट है तो एक प्रॉपर स्पॉट लाइट और डालेंगे इसके ऊपर, फिर देखना होगा इस मजा। और एक अच्छी और राइड की तैयारी कर ली है मैंने, तो जल्दी मैं आप लोगों को एक अच्छा ब्लॉग और देने वाला हूँ, एक नई सीरीज और शुरू होने वाली है फिनिश होने के बाद। गाइस चलते चलते अभी 34 किलोमीटर रह गया है करगिल, और भाई साहब अंधेरा इतना हो गया है ना, पहाड़ियों पे कुछ दिख नहीं रहा है। अगर मैं इसकी फॉग लाइट बंद कर दूं तो गाइस बस इतनी सी रोशनी होती थी अपने पास, अब इतनी सी में मैं क्या करता बताओ, सोचो अब इतनी होती है इतनी सारी। ये देखो तो इसका प्लस पॉइंट है ना, देखो दूर तक दिख रही है आपको, तभी तो मैं इतनी स्पीड पर पहाड़ों पर गाड़ी रन कर पा रहा हूँ भाई। और ठंड इतनी ज़्यादा हो गई है ना कि भाई एकदम हालत टाइट हो गए हैं। बस मोड़ पर मैं दो हॉर्न देता हूँ जिससे कि कोई भी हो तो उसको मतलब पता लग जाए, और जैसे कोई सामने आता है तो अपना हाई बीम डाउन, एंड कोई बड़ा ट्रक वगैरह अगर डिपर देता है तो फिर आप अपनी जो है फॉग लाइट को इस तरीके से ऑफ कर दीजिए जिससे कि उसको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। देन उसके बाद आप फिर आप ऑन कर दीजिए। यार फ्लैशर मोड में क्यों जा रही है ये, तो इस तरीके से आप करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी करगिल अभी अपना 33 किलोमीटर रह गया है, तो 33 किलोमीटर करीबन पौने एक घंटे में कवर कर दूंगा मैं। स्पीड ज़्यादा रख नहीं रहा हूँ क्योंकि भाई साहब सर्दी बहुत ज़्यादा तेज़ लग रही है। करगिल पहुँचा जाए फिर कुछ खाऊंगा, देन फिर अपने एक ब्लॉग एडिट करूँगा, फिर सो जाऊँगा। वैसे अब अपने पास सफिशियंट लाइट है, काफ़ी अच्छी खासी दूरी तक जाने वाली, तो कोई दिक्कत नहीं है। सो गाइस फाइनली मैं करगिल पहुँच चुका हूँ, और ये अपना रूम है भाई। अपनी जैकेट वैकेट पटक दी है, सामान वो पड़ा है, गोप्रो हेलमेट वगैरह, एवरेज सा रूम है। एंड अपनी बाइक नीचे पार्क है, ठीक है। लोकेशन बढ़िया है, वॉर मेमोरियल भी यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। मेरा हुडिया कुछ ऐसा हो गया है, और काफ़ी अच्छी हवा चल रही है, थोड़ी थोड़ी रिमझिम बारिश भी हो रही है। बाकी सफ़र यार एक नंबर रहा, ये वाला रूट अच्छा है। अभी जोजिला पे कुछ लैंडस्लाइड हो गया है तो बंद है, देखते हैं अगर कल खुलता है कल निकलेंगे, परसों को जाएगा परसों निकलेंगे। एंड ये वाला रूम मैंने भाई देखो काम चलाने के लिए कोई बुरा नहीं है यहाँ पर, और बढ़िया रूम है, इसमें सब कुछ है। थोड़ा सा मतलब इंटीरियर की तरफ मत जाना, ओनली 900 रुपीज़ में भाई मैंने ले लिया है, 900 में बुरा नहीं है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर भाई को मैं स्टिकर देने जा रहा हूँ मांगिए, देन उसके बाद में स्टिकर लगा करके ब्लॉक को करते हैं एंड। चल पे हम लोगों ने स्टिकर लगवा दिया है अपना, और ये भाई हैं यहाँ के ओनर। तो व्हाट्स योर गुड नेम ब्रदर? मोहम्मद हसन। मोहम्मद हसन, अच्छा ये अपना लोकेशन कहाँ पड़ता है भाई? ये कारगिल टीवी टावर। कारगिल टीवी टावर, तो भाई ने पूरा के पूरा गाइज ले लिया है, और इसको पूरा इंटीरियर के थ्रू मतलब मॉडिफाइड कर रहे हैं। और आप में से कोई भी अगर इधर आ रहा है कारगिल, तो प्लीज़ यार आइए, रूम सर्विसेज बहुत अच्छी हैं, भैया की सबसे बड़ी चीज़ आदत बहुत अच्छी है, और अपने यहाँ किचन वगैरह भी शायद अवेलेबल है सारा खाना पीने का। हाँ मतलब स्टार्टिंग है क्योंकि ये लोग पूरा मॉडिफाई कर रहे हैं तो बना रहे हैं, हो सकता है जब तक आप आओ तब तक सब कुछ मिले। बाकी रूम यार एक नंबर है, आ सकते हो आप, आकर के एक बार चेक जरूर करना। एड्रेस मैं पिन डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, बाकी कई वाला ब्लॉग जितना अच्छा लगा हो भाई उतने अच्छे अच्छे कमेंट करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर देना। इस ब्लॉग को अभी एंड करते हैं, अगर आपको जरा भी ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, किस सिटी से देख रहे हैं, हर हर महादेव जरूर लिखिएगा, और अपने भाई के लिए भाई इस चैनल सब्सक्राइब करना। तो फिर किसी से अच्छे वीडियो के साथ, टिल देन राइट सेफ साइन गो, बाय 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 बाय, बी सेफ, जय हिंद, वंदे मातरम।